नारकंडा में किसान संघर्ष समिति व नारकंडा के साथ लगते क्षेत्रों के सेब उत्पादकों ने सोमवार को लगभग एक घंटा सांकेतिक चक्का जाम किया। धरने में शामिल सेब उत्पादकों को विभिन्न क्षेत्रों से आए जनप्रतिनिधियों ने संबोधित किया। तियोग क्षेत्र से विधायक राकेश सिंगा ने बताया कि विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया गया था कि हिमाचल में फल मंडियों में सोलन व ढली के बाद सब्जी मंडी नारकंडा में सबसे ज्यादा मंडी फीस जमा की है। बावजूद इसके प्रदेश सरकार व एपीएमसी किसान बागवानों को सुविधाएं देने में नाकाम हुई है। 2018 में नारकंडा से सबसे ज्यादा मार्केटिंग फीस जमा हुई है, लेकिन बहुत से आढ़ती किसान बागवानों का पैसा डकार कर फरार हो चुके हैं। सैकड़ों किसानों ने इसके विरुद्ध केस तक दर्ज किए हैं। आज भी नारकंडा के भीतर कुछ आढ़ती गैर कानूनी तरीके से कारोबार कर रहे हैं, जिस पर एपीएमसी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रति पेटी अनलोडिंग के नाम पर 20 से 50 रूपए कम लिए जा रहे हैं, जबकि एपीएमसी के अधिनियम के मुताबिक 5 रूपए से अधिक कोई फीस वसूल नहीं की जा सकती। नारकंडा व शिलारू के मध्य कुछ मंडियों की शिकायत ग्रामीणों द्वारा किए जाने के बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहां गंदगी का बदतर आलम है और पानी के स्रोत भी खराब किए जा रहे हैं। किसानों ने इस धरने के बाद साफ तौर पर तय किया है कि आने वाले दिनों में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए ग्रामीण स्तर पर किसान बागवानों की बैठकों का दौर चलाया जाएगा। साथ ही जिन बागवानों को अभी भी उनके उत्पाद का पैसा नहीं मिला है, वे सब सीधे एसआईटी को शिकायत करेंगे। नहीं चलेगी।